मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कभी बेहद करीबी होने का दावा करने वाले सुनील सिंह ने शनिवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में सुनील सिंह ने अपनी पार्टी युवा वाहिनी भारत पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमारी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, मैं नौजवानों का स्वागत करता हूं क्योंकि नौजवान ही सपा का भविष्य है। समाजवादी पार्टी की सात क्रांति जो जन जन तक जानी चाहिए, हमने कभी भी देश तथा प्रदेश में भेदभाव की राजनीति नहीं की, कभी भी काले गोरे का भेदभाव नहीं किया। इस दौरान हिंदू वाहिनी भारत के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश तथा देश के नौजवानों को धोखा दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार नौजवानों के सपनों की हत्यारी सरकार है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को केसरिया झंडा दिखाकर बहलाया गया था। इससे पहले भी रामायण काल में भगवा पहनकर सीता का हरण किया गया था, उसी भगवे में एक बार फिर से छलने का काम किया जा रहा है। सभी वर्गों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। ये सरकार साजिश कर करके अन्याय कर रही है, धोखा देकर के अन्याय कर रही है। समाजवादी लोग इनके हित, इनके सम्मान के लिए लगातार काम करती रहेगी। हमारे जितने बहुजन समाज पार्टी और दूसरे दलों से जितने साथी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी में उन्हें काम करने का भी मौका मिलेगा, संघर्ष करने का भी मौका मिलेगा और उनका सम्मान भी बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इससे पहले मैं हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, 2018 से भारत का अध्यक्ष बना और जब 2002 में हमने हिंदू नौजवानों को संगठित किया था, उस समय हमने एक सपना देखा था और उस सपने को पंख दिया था उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज 3 साल का जब समय बीत गया तो ऐसा लगा योगी आदित्यनाथ उन हजारों नौजवानों के, उन लाखों नौजवानों के उम्मीद का, उन लाखों नौजवानों के सपने का कत्ल योगी आदित्यनाथ ने किया है। उस कत्ल का बदला लेने के लिए, उनके सपने का के कत्ल का बदला लेने के लिए ये नौजवान समाजवादी पार्टी के मिशन के साथ आगे बढ़ेगा और योगी आदित्यनाथ की फौरे भी सरकार को, योगी आदित्यनाथ के इस ढोंगी सरकार को नेस्तनाबूत करने के लिए ये नौजवान आगे बढ़ेगा।